everyone, how are you all? I hope all are fine and doing well. So this is me, Diksha, and welcome back to another video. So आज की वीडियो जो है वो व्लॉग नहीं है, तो है क्या? सो आज की वीडियो जो है, आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि जो आज की वीडियो है वो है कि जम्मू में ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक होती है, वो है वैष्णो देवी कटरा, वैष्णो देवी कटरा। सो वैष्णो देवी और कटरा के अलावा कौन कौन से प्लेसेस हैं जम्मू में, सो मैं आज आपको मतलब अपनी वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ कि जब भी आप जम्मू में कभी आएँ तो कौन कौन सी जगहें हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सबकी चहेती जगह, जब भी जम्मू का नाम लेते हैं तो है वैष्णो देवी। सो वैष्णो देवी जो है वो कटरा में है, जम्मू से अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 आवर लगता है जाने में। सेकंड है पत्नीटॉप, मतलब जो लोग कहते हैं कि जम्मू में बर्फ़ पड़ती है या जम्मू में ठंड होती है, तो जब भी वो जम्मू में आए तो पत्नीटॉप विज़िट करें। पत्नीटॉप हो गया, सन्नासर हो गया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 112 किलोमीटर्स है जम्मू से। तो आप जब भी आएँ ज़रा टाइम निकाल के आएँ ताकि आप ये वाली पत्नीटॉप एंड सन्नासर जो है वहाँ विज़िट कर सकें। इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ प्लेट्यू इन द शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयस। थर्ड है बागे बहू। तो जब भी आप मतलब ये गार्डन है, जैसे हमारे कश्मीर में गार्डन्स हैं वैसे ही ये गार्डन बना हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स है फ्रॉम बस स्टैंड, और अगर आप रेलवे स्टेशन से देखते हैं तो रेलवे स्टेशन से थोड़ा ये पास है क्योंकि बस स्टैंड थोड़ा दूर है। तो जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, तो आप यहाँ मतलब ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आने का आपका फ़ायदा ये है कि एक तो पास है, ऊपर से जब आप इस जगह पे आओगे तो आपको 3-3 फ़ायदे फ्री में मिल जाएंगे। एक्वेरियम है वहाँ पे, जो मैंने अपने व्लॉग के थ्रू भी आपको दिखाया हुआ है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। एक है काली माता टेम्पल और नीचे हरकी पुड़ी है। सो एक जगह आने के 3-3 फ़ायदे हैं कि 4 जगह आप विज़िट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है रघुनाथ टेम्पल, तो जब भी आप आए यहाँ पे भी आप विज़िट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरखू टेम्पल की। पीरखू टेम्पल जो है वो बहुत पुराना टेम्पल है, और इसकी जो स्टोरी है वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो इसको हम जावंत गुफा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रामायण टाइम पे जो जावंत जी थे उन्होंने इस गुफा में क्या की थी, मेडिटेशन की थी। और यहाँ पे मतलब माना जाता है कि ये गुफा जो है ये अमरनाथ जाके मतलब मिलती थी, लेकिन कुछ लोग जो गए थे वो अमरनाथ गए थे, उसके बाद भी कुछ लोग गए लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही अमरनाथ पहुंचे थे ना ही वापस आ पाए हैं। तो इसको हम पीरखू टेंपल भी बोलते हैं और जावंत गुफा भी बोलते हैं। तो जब भी आप जम्मू आएँ तो प्लीज़ इस जगह को विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आता है मोहमाया टेम्पल। यह टेम्पल भी बहुत पुराना टेम्पल है, ये हमारी जो डोगरा कम्युनिटी की लेडी थी, फ्रीडम फाइटर, उनकी ब्रेवरी के लिए बनाया गया है ये टेम्पल। इसको हम महामाया टेम्पल भी बोलते हैं और मोहमाया टेम्पल भी बोलते हैं। सो ये कुछ काफ़ी कम डिस्टेंसेस पे हैं, तो आप जब भी जम्मू आएँ ज़्यादा टाइम निकाल के आएँ ताकि आप ये सब जगहें विज़िट कर सकें। नेक्स्ट आता है अमर महल, जिसको हम हरि निवास भी बोलते हैं। हरि निवास जो है हमारे राजा हरि सिंह जी का पैलेस है, तो जो हमारे जम्मू के राजा थे, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ जगहें, कुछ प्लेसेस बताए हैं जम्मू में विज़िट करने के लिए, ताकि आप जब भी कभी जम्मू आने का प्लान बनाते हैं तो सिर्फ वैष्णो देवी आने का प्लान मत बनाओ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो मतलब पहले से ही प्लानिंग कर लो कि हाँ हम जम्मू में कम से कम एटलीस्ट हम 5-6 जगहों पे जो है मिनिमम हम घूमेंगे, सिर्फ वैष्णो देवी नहीं जाना है। सो लॉन्ग ट्रिप प्लान करके आओ ताकि ये जगहें जो है आप विज़िट कर सको, आप देख सको, जम्मू को एक्सप्लोर कर सको, क्योंकि जम्मू में सिर्फ वैष्णो देवी ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। ये कुछ लिमिटेड चीज़ें दिखाई मैंने, इसके अलावा भी बहुत प्लेसेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैंने बनाई तो मैं उसमें कवर करूँगी। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट भी कर देना। चलते हैं फिर, बाय बाय। एक खरी।